हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है अमित एंड सुमित सिंह कुशवाहा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कोई पे, और सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे रेमर टेमन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में हर बार पूछ ली जाती है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट हो जाते हैं हमारी इस वीडियो में जिसका नाम है कोलबेस रिएक्शन। तो कोलबेस रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कोलबेस रिएक्शन में हमें पता है हर रिएक्शन में सबसे पहले फिनोल लेंगे क्योंकि फिनोल हम टॉपिक कर रहे हैं। तो फिनोल से स्टार्ट करते हैं और आधी रिएक्शन तो इसकी, ये जो रिएक्शन इसमें हमने आधी रिएक्शन तो पढ़ ही रखी है। तो कैसे पढ़ी देखते हैं। OH को जब भी अपन इसको NaOH से रिएक्ट करते हैं तो आपने वहाँ पढ़ी होगी, एसिडिटी में पढ़ा होगा, क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड ही OH रिप्लेस हो जाते हैं, बॉन्ड टूट जाते हैं, OH रिप्लेस, इसको सोडियम फेनॉक्साइड बनते हैं। बस आगे की जो मेथड है वो थोड़ी समझनी जैसी है, ये तो आपने इतना पढ़ ही रखा है। इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले इसमें H+ आयन का एडिशन करते हैं। तो क्या होता है, ये जो H+ आयन इधर चले जाता है और ये Na हट जाता है। ठीक है, Na हट जाता है, पर फिर होता क्या है, ये CO2 का आपको स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है? CO2 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ये जाके पूरा का पूरा इस कार्बन पे, यहाँ से इस कार्बन से और H जो है वो हट जाता है और ये इस पे जाके अटैक कर देता है। तो बनता क्या है, बनता ये है, अपन ने सबसे पहले H हट करा जिससे Na हट जाए, तो बनता क्या है, बनता ये है OH हो गया, OH हो गया और इधर क्या आ गया, ये पूरा का पूरा, तो ये हो गया COOH। जो अपन को फाइनल प्रोडक्ट लाना था। ठीक है फ्रेंड, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम बनेगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कैसे हुई ये रिएक्शन, इसमें हुआ क्या कि सबसे पहले फिनोल को अपन ने NaOH से रिएक्ट करा जिससे अपन को सोडियम फेनोक्साइड देखने को मिला, ये पूरा का पूरा, ये H2 के साथ अलग हट गया ये पूरा का पूरा और इधर N आ गया। अब फिर जब अपन ने इसमें सबसे पहले जो सोडियम फेनोक्साइड, उसमें जब H+ आयन ऐड करा, मतलब एसिड ऐड करा, तो ये Na से इसने रिप्लेस कर दिया, इधर OH आ गया। अब अपन इसके बाद इसमें CO2 ऐड करेंगे। CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो होता क्या है, जो अपना ये वाला कार्बन होता है इसमें जो H लगा होता है वो बाहर निकल जाता है और ये पूरा का पूरा जाके इसमें जुड़ जाता है, तो COOH हो जाता है, जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपन को जो चाहिए थी मेन चीज़ वो हमें मिल चुकी है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका दूसरा नाम भी है सैलिसाइक्लिक एसिड भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, सैलिसाइक्लिक एसिड बन गया। ये थी अपनी कोलबेस रिएक्शन, ये बोर्ड के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रटना तो कुछ भी चीज़ को नहीं है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी कोलबेस रिएक्शन, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेमर टेमन। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप हमारी लेटेस्ट वीडियो से रूबरू हों। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, कीप वॉचिंग, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स भी इसको देख सकें। थैंक यू वेरी मच।